हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका फ़ोन कहीं गुम गया है या चोरी हुआ है तो आप उसे फाइंड कर सकते हो। जैसे कि हम स्मार्टफोन में गूगल अकाउंट ओपन करते हैं, वो उस गूगल अकाउंट से हमें उस फ़ोन को फाइंड करना है। जो लेट्स सी, गूगल में जाके आपको फाइंड माई फ़ोन, फाइंड माई डिवाइस आपको टाइप करना है। फाइंड माई डिवाइस टाइप करने के बाद ये एक URL आपको मिलेगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो ये साइन इन का पेज ओपन हुआ। इस पेज में आपको वो ईमेल आईडी डालना है जो आपके एंड्रॉयड फ़ोन में अकाउंट आपने ओपन किया है, और उससे लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपको ये पेज ओपन होगा, आपका डिवाइस यहाँ आपको दिखेगा, डिवाइस नेम आपको दिखेगा, और लास्ट सीन मतलब लास्ट एक मिनट हुआ वो फ़ोन चालू था लास्ट एक मिनट पहले, और उसमें कौन सा सिम कार्ड यूज़ हुआ है, और उसका बैटरी भी आपको पता चलेगा कितना चार्ज है कितना चार्ज नहीं है, और ये है उसका लोकेशन। हम यहाँ इसको जूम भी कर सकते हैं और वो फ़ोन का नेटवर्क, फ़ोन का लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आप जितना जूम करोगे उतना वो क्लोज हो जाएगा, बट ये फाइंड आउट करने के लिए फ़ोन चालू होना ज़रूरी है, फ़ोन में नेटवर्क होना ज़रूरी है, तो ही आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ और एक ऑप्शन दिया है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो उसका 5 मिनट्स तक रिंग बजेगा, फ़ोन का नंबर नहीं दिखेगा उस पर बट रिंग बजेगा। ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो, घर में आपका फ़ोन साइलेंट में है और घर में किधर मिल नहीं रहा है, आप तो ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, रिंग होगा तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है, आपका डिवाइस, आपका फ़ोन जो गुम हुआ है उसे आप यहाँ से लॉक भी कर सकते हो, और आप उस पर मैसेज छोड़ सकते हो कि ये रिकवरी मैसेज आपको जो देना है यहाँ दे सकते हो, और ऑप्शनल नंबर आप यहाँ डाल सकते हो। मीन्स अगर किसी को फ़ोन आपका मिला है तो वो मैसेज पढ़ के आपको कॉल बैक कर सकता है। थर्ड ऑप्शन है, अब आपको लग ही रहा है अभी आपका फ़ोन नहीं मिलने वाला, और उसमें कुछ आपका क्रिटिकल डेटा है, फ़ोटोज़ या गैलरी में कुछ भी डेटा है आपका जो बहुत क्रिटिकल है और सेंसिटिव है, तो आप यहाँ से डेटा आपका इरेज कर सकते हो। यहाँ क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि पूरा डेटा मेरा मोबाइल से उड़ जाएगा। तो ये तीन ऑप्शन है, आप फ़ोन फाइंड आउट कर सकते हो, बट ज़रूरी है इसके लिए फ़ोन नेटवर्क में होना ज़रूरी है। और एक ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है आप फ़ोन IMEI नंबर से फाइंड आउट कर सकते हो। IMEI नंबर आपको, अभी आपके पास फ़ोन नहीं है तो कहाँ से मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। आप यह क्लिक करोगे तो आपका IMEI नंबर आपको दिखेगा, जिससे भी आप फ़ोन फाइंड आउट कर सकते हो। और एक तरीका है, एक गूगल का ऐप है, आप एंड्रॉयड फ़ोन में वो ऐप डाउनलोड कर सकते हो और उससे भी फ़ोन आप फाइंड आउट कर सकते हो। मैं जल्दी गूगल ऐप से फ़ोन फाइंड आउट कैसे करते हैं उसका वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप आपको ये वीडियो काम आएगा।